गढ़मुक्तेश्वर तहसील पर सपा के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री मदन चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के पश्चात हापुड़ डीएम को ज्ञापन सौंपा। जनपद अमरोहा के थाना गजरोला में प्रेम प्रसंग के चलते युवती ने अपनी एक महिला साथी के साथ युवक को गांव बुलाया। वहीं युवती के परिजनों को जब इस बात का पता चला तो परिजनों ने मिलकर लड़के के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा घर में चोरी करने की सूचना देकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया, जहां आज उसकी उपचार के दौरान ही मौत हो गई। वहीं युवक की मौत से बिलबिलाए परिजनों ने नगर थाने का घेराव कर युवती के परिजनों के खिलाफ हत्या की तहरीर देते हुए इंसाफ की मांग की है। क्या नाम है आपका? लाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? प्याली हो। क्या मामला था जो थाने में आप आए? बोले, मैं मेरा पोता था। मेरा पोता था। क्या नाम था आपके पोते का? अनिल कुमार। क्या हुआ था उसके साथ? मारपीट हुई। किन लोगों ने करी? सुनील नाम में कलवा के लड़के तीन। हाँ, कलवा के लड़के हैं दो। सुनील है एक का, क्या नाम? विनोद। विनोद सुनील जो भी नाम है। सारी ऐसा पिटाई करी उसकी, बेहोशी में उसको थाने को खबर दी, वो लेकर आई दो लड़के। और अब लड़का क्या क्या हुआ है? लड़का एफआईआर हो गया। अब थाने वाले क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सुनवाई नहीं। थाने वाले कार्रवाई कर रहे हैं ये अपना लेकर। हमारी सुनवाई नहीं इस टाइम पर। इस टाइम हमारे अब तो चलो सही है। आपका चंचल, क्या मामला है? मामला वहाँ चाट वाली मंडी में, यहाँ रामलीला देखने आया। चाट वाली मंडी में पीटा और सब बुरी तरह से मारा है। किन लोगों ने मारा? सैनी है वो भी। क्या नाम है उनका? कलवा है वो। कलवार एक और बाप बेटे हैं वो। तीनों बाप बेटे, तीनों बाप बेटे हैं। तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ, फिर इन्होंने पुलिस को दे दिया उसे मार छेद का। पुलिस ने थाने में डाल दिया। लाएगा उसकी कोई कार्रवाई न करी, मक्खी भी न करी। यह कि चैटी चल रही सुबह को जब हम आए, इस टाइम निकाला उसे थाने में से। हमने निकाला, इस टाइम निकाला थाने में से। इस टाइम ही 4 बजे के टाइम ही निकाला। क्या स्थिति है? दिन फिर आपने अस्पताल में भर्ती करवाया उसको? हाँ, लेके उन्हें प्रोसीजर था, यहाँ से मेरठ लेके गए हैं। जब बॉडी मांगी, पहले गजरौला वो करवाए हैं एक्सरे, फिर मेरठ लेके गए हैं। जब यहाँ लेने आए तो तुमसे पैसे लिए? हाँ, 5,000 रुपए 10 मांग रहे, 5 दिए हमने। कौन मांग रहा था आपसे पैसे? पुलिस वाले। मैं तो बाहर बैठी हूँ और मेरे घर वाले आए। आज उनकी हालत खराब, उनसे उठाने जा रहा, हार्ट के मरीज हैं वो, आए ना आज उनसे चला ही ना जा रहा कल से। किसने पैसे मांगे आपसे? 10 मांग रहे, 5 दिल ले लिए, फिर भी 1,000 रुपए लिए। मोबाइल भी ना फोन करा ना हम पर कुछ करा। लड़का ऐसा पड़ा बिल्कुल मरा हुआ यहाँ आने में। अरे ये बोल दो कि मोबाइल मांगा था 1,000 रुपए लिए। मोबाइल मांगा था 1,000 रुपए और मांग रहे, ना फोन करा हमें, ना पता दिया, ना कुछ करा। जानकारी कौन मांग रहा था पैसे? मैं नहीं, मैं तो बाहर बैठी सड़क पे। मैं बैठी। नाम आपका? मेरा नाम करण सिंह, गजरौला बिलाकी ग्राम पंचायत रैदरा से वर्तमान प्रधान हूँ। क्या मामला था ये जो थाने का? तो मामला थाने आने का ये था कि एक लड़का हमारा रिश्तेदारी में लगता है, जो सियाली गोसाई हमारे ही थाने में पड़ती है। वो अपनी किसी रिश्तेदारी के नाते या किसी कार्य से गढ़ में आया था, तो गढ़ के पास ही चैंटो वाली मंडियों का कोई सुनील नामक व्यक्ति उसे ले गया और पता नहीं किस रंजिश के कारण उन्होंने और उसके बाप ने उसके भाई ने मिलकर सरियों से इतनी बुरी तरह पीटा कि वो लहूलुहान जब हो गया तब उसे फिर थाने दे दिया। हम लोगों को जब सूचना सुबह में मिली तब थाने आए और थाने आके स्थिति जब गंभीर देखी तो पुलिस ने हमसे कहा भाई पहले आप इसका इलाज कराओ, उसके बाद आपकी FIR लिख ली जाएगी। जब उसकी पिटाई करी थी तो पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं कराया? नहीं, बिल्कुल अमानवीय व्यवहार रहा। जब तक हम आए हैं उन्हें एक टैबलेट भी पुलिस के द्वारा नहीं दिलाई गई थी और उसकी स्थिति बहुत खतरनाक थी। हम उसे अस्पताल ले गए मेरठ नागर हॉस्पिटल में, उसका 2 जगह ऑपरेट हुआ। 2 बार ऑपरेट होने के बाद भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। उसकी टांग और बाँव सब टूटी हुई थी, पसलियाँ टूटी हुई थी। उसी दौरान उसने बताया, जब वो होश में आया तो उसने बताया कि मुझे फला फला व्यक्तियों ने गढ़ से ले गए थे और इतनी बुरी तरह मारने की नीयत से मुझे मारा है। और वो आज रात्रि में, बीती रात्रि लगभग 3 बजे अंतिम सांस ले गए। मुकदमा दर्ज करने के लिए अब थाने आए हैं।
पुलिस हमारा सहयोग कर रही है फिलहाल। कुशीनगर पुलिस को आज उस समय सफलता मिली जब गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत निरुद्ध 10,000 का इनामी बदमाश नागेंद्र उर्फ गोलाई पकड़ा गया। अभियुक्त काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसको खड्डा और हनुमानगंज की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर मुजौली बाजार के समीप गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। सर, ये जो अपराधी पकड़ा गया खंडा पुलिस ने कामयाबी पाई, इस संबंध में क्या जानकारी देना है? नागेंद्र उर्फ गोलाई एक इनामी बदमाश था और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वांछित था। 2018 से ये वांछित चल रहा था और इसके कई आपराधिक इतिहास हैं। इसे पकड़ने के लिए पुरस्कार भी घोषित किया गया था जो पुलिस के पकड़ से बाहर चल रही थी, लेकिन इस पर लगातार प्रयास करने पर और इस समय विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करने पर इसे गिरफ्तार किया गया है और ये पुलिस के लिए एक अच्छी सफलता है और इस तरह से आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। अन्य कई अपराधी जो फरार हैं उनको शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। सर, कुछ क्या बोलते हैं कि और अपराधी ऐसे मुकदमा दर्ज है जो अभी भी गिरफ्तारी से बाहर है, क्या उनको भी गिरफ्तारी करने के लिए प्रशासन द्वारा ये निर्देश है कि हर थाने में जो टॉप 10 बदमाश हैं उनका लिस्ट बनाया जाए और उन पर प्रतिदिन सघन कार्रवाई की जाए, उसका डेली का हिसाब रखा जाए। अर्थात 10 जो दुर्दांत अपराधी हैं टॉप 10 हैं उन पर प्रतिदिन कार्य करते हुए शीघ्र से शीघ्र उन पर ठोस कार्रवाई करनी है। वांछित हैं उन्हें गिरफ्तार करना है और जो गिरफ्तार हैं उनकी विवेचना जल्द पूरी करनी है और एक निश्चित अंजाम तक उसे पहुँचाना है ताकि अपराधों पर नियंत्रण हो सके और आगे अपराध रुक सके। सर, आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध भी कुछ मुकदमा था? देखिए, टॉप 10 का जो शासन ने निर्देश दिया है कि टॉप 10 मुलजिम का लिस्ट बनाकर हर थाना इस पर अभियान चला कार्य करें, इसमें जो अपराधी पकड़ जाएंगे जिन पर ठोस कार्रवाई हो जाएगी उसको निकालते हुए दूसरे उसमें शामिल होते जाएंगे। अब इस तरह से प्रतिदिन की कार्य योजना के अनुसार सभी अपराधी जल्द ही पकड़े जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बलात्कार एवं सरकारी विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार एवं जन विरोधी नीतियों को लेकर आज समाजवादी पार्टी ने अपने नेता भूतपूर्व प्रत्याशी रामकुमार उर्फ चिंकू यादव की अगुवाई में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही डुमरियागंज तहसील रिपीट यह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन डुमरियागंज तहसील पर किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी को 31 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। इसका उद्देश्य आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का निर्देश हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में हर तहसील मुख्यालय पे समाजवादी पार्टी के लोग धरना दे रहे हैं, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, गिरती अर्थव्यवस्था के खिलाफ, पिछड़ों अल्पसंख्यकों दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ। इसलिए हमारे नेता ने आह्वान किया और हम लोगों को निर्देश दिया और हमारे क्षेत्र की जनता आपने देखा कि उस धरने को सफल बनाने के लिए और भाजपा सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ जो इनका मुख्य एजेंडा है, अभी आपने देखा कि शाहजहांपुर में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है जिसकी 500 वीडियो वायरल होती है और जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके खिलाफ जब हम लोग हल्ला करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग धरने का ऐलान करते हैं, तब मुकदमा लिखा जाता है और मुकदमा लिखने के बाद उनको जेल में ना डाल करके उन्हें PGI में भर्ती करा दिया जाता है, AC रूम में सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। वहीं जो पीड़ित लड़की है उसको भाजपा की षड्यंत्रकारी जो अधिकारी कर्मचारी हैं, एजेंसियां हैं, उसको फंसा करके उसको जेल में डालने का काम किए हैं।
इन सब चीजों को लेकर के लूट, हत्या, बलात्कार, डकैती, महंगाई के खिलाफ आज हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अच्छा, ये बीजेपी का कहना है कि जो महंगाई, भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी है, ये पिछली सरकारों की देन है। अब अगर भाजपा वाले ये भी कहेंगे कि जो हमारे पूर्वज, जो हमारे समाजवादी पुरोधा थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है, वो कहेंगे उनके समय से था, तो क्या हम और आप ये जनता मान लेंगे? प्याज का दाम आज क्या है, डीजल का दाम क्या है, पेट्रोल का दाम क्या है, रसोई गैस का दाम क्या है? 2017 के पहले रसोई गैस का कीमत 343 रुपया हुआ करता था, आज 800 रुपया, 850 रुपया है। आप देख लीजिए डीजल का दाम, 2014 के पहले 52-51 रुपया हुआ करता था, आज डीजल का दाम 65 रुपये से ऊपर है। आप पेट्रोल ले लीजिए जिसका दाम 55-56 रुपये 2014 के पहले हुआ करता था, आज 72 के पार है। आप देख लीजिए अपने देश की गिरती और व्यवस्था, बांग्लादेश का आप जानते हैं कि टका, वहाँ पैसा नहीं टका चलता है। आज हमारे देश का 1 रुपया और बांग्लादेश का 1 टका, 1 रुपया 17 पैसा के बराबर है। बांग्लादेश आज हिंदुस्तान से आगे चला गया। ये क्यों चला गया? ये इसलिए चला गया कि भाजपा लूट, खटोट, खसोट, हत्याचार, देश का जो धन है उसको काला धन में बदलने का काम किया है और इसको स्विस बैंक में भेजने का काम किया है। सर, आपने कहा है कि बलात्कार के ऊपर सरकार बचा रही है, आपकी भी सरकार में माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बच्चों से गलतियां हो जाया करती हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो आपको ये याद आना चाहिए कि जब भाजपा ने कश्मीर में महबूबा के साथ मिलकर के सरकार बनाई, जो जानी दुश्मन एक दूसरे के जान के पीछे पड़े थे, और वहाँ जो पत्थरबाज थे, यहाँ अपने देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उनको छोड़ने का काम किया, हजारों हजार लड़कों को, और ये कहा कि ये लड़के हैं, आप इसको क्या कहेंगे? सुनो, आपको क्या लगता है कि धरना प्रदर्शन करने सरकार मान जाएगी? अगर नहीं मानेगी तो आप आगे क्या करेंगे? देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, हम मानने वाले नहीं हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर अपने आदतों से बाज नहीं आई तो हम समाजवादी साथी सड़क से लेकर के संसद तक और विधानसभा का घेराव करेंगे, जिला मुख्यालय से लेकर के संसद तक का घेराव करेंगे। हम समाजवादी लोग हैं, हम मानने वाले नहीं हैं, और इस सरकार का पीछा भी नहीं छोड़ेंगे। इनके जितने भी भ्रष्टाचार हैं, इनके जितनी भी कूटनीति, इनके जितने भी अत्याचार और जुल्म का है, इसका हम पर्दाफाश करेंगे। हम समाजवादी साथी मानेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर जालौन जिलाधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन हुआ। देखिए रिपोर्ट। धरना दे रही है, क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज आप धरना दे रहे हैं और किस स्तर पर धरना हो रहा है? हम लोगों ने पिछले 9 अगस्त को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन दिया था कि उत्तर प्रदेश में जो अराजकता है, गुंडागर्दी है, भ्रष्टाचार है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, बच्चों की फीस बढ़ा दी गई है, सड़कें खराब हैं, बिजली की सप्लाई ठीक नहीं है, गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, और तमाम ऐसी समस्याएं थीं, उनके संबंध में हम लोगों ने चेताने के लिए 9 अगस्त को धरना दिया था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की जो भरपूर कोशिश करने के बावजूद सरकार ने एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर अब की बार पूरे प्रदेश में प्रत्येक तहसील के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन पुनः करके सरकार को पुनः चेताने का काम हम लोग कर रहे हैं कि गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में करोड़ों रुपया का घोटाला है, बच्चों की फीस बढ़ा दी गई है, और सरकार है ये बेईमान सरकार है, इसलिए सरकार को हटाने के लिए हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में चक्का जाम, रेल रोको और जेल भरो आंदोलन करने का भी काम करेंगे। ये धरना प्रदर्शन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा पूरे प्रदेश की सारी तहसीलों पर रखा जा रहा है। हम लोगों की जो प्रमुख मांगे थी, जो बिजली के बिलों में वृद्धि की गई है उसको तत्काल प्रभाव से कम किया जाए, किसानों की आय दुगनी करने का जो वादा देश की सरकार ने हम लोगों से किया था
प्रदेश के नौजवानों किसानों से किया था उसको पूरा किया जाए। चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अत्याचार बढ़ रहा है, हत्याएं और बलात्कार प्रदेश में चार गुने हो गए हैं, खाद बीज महंगा हो गया है, पेट्रोल के दाम चार गुने हो गए हैं, सिलेंडर के दाम छः गुने हो गए हैं। इन सब मांगों को लेकर हमारा ये दर-दर प्रदर्शन प्रत्येक तहसीलों में हो रहा है। लगातार आपके रामपुर सांसद को सरकार प्रताड़ित कर रही है, उनके ऊपर मुकदमे के ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। पार्टी जिस रूप में समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है विरोध प्रदर्शन करने का, वो नहीं हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं रामपुर तक गए और उनके लिए आज आंदोलन में भी वो मुद्दा शामिल था कि जिस तरीके से आजम खान साहब के खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है। आज राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि बकरी चोरी से लेकर भैंस छुड़ाने तक के मुकदमे उन पर लिखे गए। सर, आप लोगों ने आज धरना दिया है, अगर इसकी मांगे पूरी नहीं होती है, नहीं सुनती है सरकार, तो आप क्या करेंगे आगे? इसमें हम लोगों के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो आगे दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त होंगे, हम लोग वैसा ही आगे का अपना कार्यक्रम तय करेंगे और अगर राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा तो फिर से आंदोलन। ठीक है, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दिशा निर्देश पर आज बरेली के सपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने दामोदर पार्क में विशाल धरना प्रदर्शन किया। विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए सपा के जिला अध्यक्ष शुक्लेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फेल हो चुकी है। रामपुर जिले के कोतवाली टांडा क्षेत्र के चौकी दड़ियाल में देश के प्रधानमंत्री को अभद्र भाषा में बोलना उस समय भारी पड़ गया जब एक वीडियो आग की तरह क्षेत्र में वायरल हुआ, जिसका संज्ञान लेते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक पत्र कोतवाली प्रभारी दुर्गा सिंह को दिया, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं दूसरा आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई को लेकर पुलिस जल्दी गिरफ्तार करने का आश्वासन दे रही है। एक मुकदमा दर्ज हुआ है प्रधानमंत्री जी को लेकर के अभद्र टिप्पणी की है, क्या है पूरी जानकारी? सर, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें दो नौजवान माननीय प्रधानमंत्री के बारे में गाली गलौज की भाषा और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, छुरी से काटने की बात कर रहे हैं। इसी आधार पर थाना टांडा में एक तहरीर प्राप्त हुई और ये जो वीडियो वायरल हो रहा है वो क्लिप प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर थाना टांडा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। एक अभियुक्त इसमें से फुरकान है, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। उसके साथी के रूप में दूसरा अभियुक्त सम वर्मा है, जिसकी अभी हम तलाश कर रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त का वीडियो से फोटो मिलान हो गया है, वही व्यक्ति है, और दूसरे अभियुक्त जिसकी हम तलाश कर रहे हैं मिलान होने के बाद उसका भी गिरफ्तारी के बाद मिलान करके यदि नाम पता सही पाया जाता है तो उसका भी चालान किया जाएगा और आरोप पत्र माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा।